हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी, सुबह के बजे हैं 7:30 और दिन है आज संडे, आज इतवार है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं ऊपर आई थी कपड़े धोने के लिए और वासु भी आ गया है उठ के ऊपर, और मैंने कपड़े लगभग धो दिए हैं और छत बिल्कुल गंदी पड़ी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले कपड़े धो के और फिर वही इनको जैसे ऊपर सुखा डाल दूँगी और फिर छत धोऊँगी। अगर झाड़ू निकालूँगी ना तो फिर वो कपड़ों के ऊपर धूल चढ़ जाएगी। तो सोच रही हूँ गंदी बिल्कुल है छत, तो इसको साफ़ कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर छत धो रही थी, तो यहाँ पर मैं छत धो रही हूँ और बिल्कुल बहुत ही गंदी है, इतनी मिट्टी निकल रही है बहुत ही ज़्यादा छत पे। और भाई सप्लाई का पानी बहुत दिनों के बाद आया, तो कहीं गिर ना जाए, बिल्कुल गंदी छत थी। तो इसलिए मैंने पूरा धोया है। तो ये मेरे कपड़े देखना, पूरा खुला खुला करके सुखाया मैंने। मैंने आज मशीन में ड्राई नहीं किया, ऐसे ही हाथ से निचोड़ के डाल दिए। तो भाई ये छत पूरी मेरी क्लीन होने वाली है। और आज है भाई भैया दूज, तो मेरे को नीचे जाके भी अपना टिक्के वाला गोले मिशने वाला भी काम करना है, क्योंकि मेरा भाई नहीं आ पाएगा। तो छत पूरी क्लीन और कपड़े पूरे साफ भी मैंने धो के डाल दिए हैं। तो अब नीचे जाऊंगी और नहाऊंगी, और नहाने के बाद फिर अपना वही जो होता है वो करूंगी। तो देखिए, मैंने कम से कम 8 रस्सियाँ हैं ये जो मैंने कपड़ों की ठोक दी है पूरी, क्योंकि भाई त्यौहार थे ना तो मैं धो नहीं पा रही थी। रोज़ के सब नए कपड़े डाले थे, रखे जा रहे थे, और एक सप्लाई का पानी भी नहीं था, तो इसलिए मैं इनको इकट्ठा कर रही थी। तो आज सप्लाई का पानी मेरे हाथों में आया है कम से कम 2 महीने के बाद। तो आज सारे नए कपड़े थे तो मैंने सारे साफ किए। तो मैं आके नीचे नहा ली थी और अब मैंने अपने गोले उठा लिए हैं, और अब मैं इनको भाई टीका लगा के, और मैं यहाँ पे फ़ोटो ले रही थी मेरे भाई के, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो ढूंढ रही थी यहाँ पे अलमारी में। तो मैं ढूंढ तो एक ही रही थी, लेकिन मेरे को 2 मिल गई, तो दोनों के भाई टीका लगा दूँगी। और टीका लगाने के बाद और भाई फिर जो मीठा है वो थोड़ा सा भाई फ़ोटो पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक भाई बेंगलोर रहता है और दूसरे जो बड़े वाला है उसकी छुट्टी नहीं थी, वो नहीं आ पाया। उसका फ़ोन आया था लेकिन मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, जब पहुंचना होता है तो पहुंच जाते हैं जब भी टाइम होता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो नहीं आता। तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, रक्षाबंधन होती मैं राखी पहुंचा देती हूँ, और भैया दूज होती है तो मैं ऐसे टीका लगा के अपना गोले मन से देती हूँ, गोले फिर पहुँच जाते हैं जब भी किसी का आना जाना होता है। तो ये गोले 4 हैं, 2 मेरे चाचा के लड़के हैं और 2 मेरे हैं। तो उनके टीका लगा के मैं यहीं से ही अपना जो मेरा है भाई, जो ये होता है छोटा सा काम, ये मैं अपना कर लेती हूँ। मेरी आदत नहीं है कि भागे भागे घूमो फिरो, अगर टाइम नहीं है तो ऐसे काम चलता तो ऐसे भी काम चला लेते हैं। तो भैया अब मैं टिक्के लगा रही हूँ, और ये है मिठाई और ये है गोले आपके सामने। तो ये करके फिर मैं वही खाना बनाऊँगी। आज जो ये भैया दूज वाले दिन का इतना ही ब्लॉग मैं शेयर करूँगी, तो ये छोटा बना। उसके बाद फिर मैंने भाई अपना सिलाई का काम किया है, तो इससे आगे मैं ब्लॉग नहीं बना पाई आज के दिन। तो फिर ये इससे नेक्स्ट यानी कि मंडे वाला ही थोड़ा बहुत ब्लॉग बना के पूरा जितना भी छोटा बड़ा बनेगा वो आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो ये अपलोड कर दूँगी। सोमवार वाले दिन ही जाएगा, सोचती हूँ क्यों गैप करा, इसलिए मैं ये मंडे को ही मैं भाई सुबह ब्लॉग बना के डाल दूँगी, यानी कि आज ही की बात कर रही हूँ मैं। तो भैया ये सुबह का टाइम था, अभी हम जस्ट सो के उठे हैं, तो इसके पापा सब्ज़ी लेके आ गए मंडी से, सारा बाज़ार बिखरा पड़ा है। तो वो गई हैं बाहर, तो आज लाए हैं हरा साग, मेथी, सरसों, पालक, जितना भी जो डलता है, हरा धनिया, ये मैं छाट रही थी यहाँ पे, क्योंकि जो गले सले थोड़े बहुत पत्ते होते हैं उनको निकाल देते हैं हम, ताकि सब्ज़ी वैसी की वैसी बनी रहे फ्रिज के अंदर, ज़रा सा भी कोई पत्ता नहीं। तो मैं यहाँ बैठ के हरा धनिया साफ़ कर रही थी अच्छे से, और जो जितनी मिट्टी थी वो सारी भाई मैं जैसे फर्श पे थोड़ा सा मार मार के इसको सारी मिट्टी निकाल रही थी, और जो जड़ के साइड में जो काला पत्ता होता है या थोड़ा सा दबा पत्ता तो वो सारा निकाल देती हूँ, ताकि भाई लंबा चलती है, ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं मंडी में से तो ज़्यादा लंबी चल जाती हैं वो फ्रिज में, ऐसे कैसी रखी रहेंगी। मैं इसको थैली में डाल के रख दूँगी तो ऐसी कैसी चलेगी। और मैंने सुबह बनाए हैं मूली के परांठे, और बच्चे भी ले गए हैं कि पापा ने खा लिया है, और हम भाई नहीं खाएंगे परांठे, सुबह सुबह नहीं मन कर रहा आज खाने का बिल्कुल भी। तो जो जिनका पहले
खिलाने का था वो मैंने करके उनका सबका दे दिया है। और मैं और मम्मी अब जितना भी ये साग सब्जी आया है सारा हम ठीक करेंगे। तो भी यहाँ पे मेरी चुंदड़ी फटी हुई थी, मुझे ध्यान ही नहीं था कि क्या है कैसे फट गई, तो भैया इसको इग्नोर करना। थोड़ा स्टिकर भी लगा रही हूँ लेकिन वो हट जा रहा है, कहीं कहीं लग जाता है, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये मैंने धनिया छाट दिया है लगभग, और इसकी चटनी बना के रख दूँगी, बहुत टेस्टी होती है आंवले वाली, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो मम्मी गई है दूध लेने, बीच में ही अपना काम छोड़ के, भाई फिर दूध नहीं मिलेगा, ये तो हमारा हाथ का काम है, घर का काम है, अपना आराम आराम से करते रहेंगे। और टाइम होने वाला है 10:30, और देखो मेरे को 11 बजे भी मैं अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ, लेकिन आज तो लेट जाएगा। मम्मी आ गई है भाई दूध लेके, तो मेरे को दूध भी रखना गर्म करने के लिए, और मम्मी के लिए और अपने लिए मैं कढ़ी बनाऊँगी आज, क्या बोलते हैं मूली के जो शिंगरे होते हैं ना, वो डाल के बनाऊँगी। तो 3 जनों की रोटी बना दी मेरी मम्मी के लिए, मैं आप अलग से आराम से बना के खाएँ, क्योंकि इसके पापा की आज की छुट्टी है, तो वो गए हैं गांव में खेत में, अपना कुछ काम होता है वो करने, और हम अपना आराम आराम से अपने घर में काम करते रहेंगे। और ये हरे साग का छाटना पीटना तो इतना लंबा काम चलता बहुत ज़्यादा, गर्मी में तो अपना छीला आलू या कुछ भी जैसे छिल विल के बनाना होता है, ठंडी में तो बहुत ये हरा साग मेथी पालक कुछ भी होता छाट बीन करके ही लंबा टाइम चलता है। तो ये हम दोनों मिल बांट के मम्मी और मैं कर लेते हैं। और अभी झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जो ये हरा साग मम्मी अभी छाट के काट दे, क्योंकि शाम को मेरे को ये बनाना है, तो झाड़ू पोछा होने से पहले जो मिट्टी है जो है वो बिखेर लेगा, तो फिर पूरा घर मेरे को क्लीन करना है, बहुत लेट भी हो गया है मुझे, तो चलता रहेगा। तो भैया ये मेरा हरा धनिया मैंने साफ कर दिया है, तो इसको मैं थैली में बांध के मैं रखूँगी, थोड़ी थोड़ी क्लिप ले रही हूँ जैसे, ताकि मेरा व्लॉग बन जाए, आप सब समझते हो इस चीज़ को। तो ये मेथी रखी है इधर, ये छाटनी है मेरे को, जो कि पापा बैठे इंतजार में भी छाट दी, तो जल्दी जितना भी ये निकलेगा एक्स्ट्रा वाला, तो ये सारा मैं गाय को डालते हुए निकल जाऊँगा, तो इसलिए नूरा लगाई मैंने कपड़े धोने की मशीन में काबू मना होगा काम, तो प्लीज बताना छुट्टी हो ना इससे का चला, फिर बारिश आवे फिर देख लिया करो, आपको बार बार बोलना पड़ता है, बथुआ रह रहे दिखा मिलता है छाटना बथुआ, थोड़ा सा शर्मा लिया लाइक करने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता, कूड़ा गणा लकड़ा। तो भैया ये मेरा सारा कूड़ा निकला है, अभी दूध धर दूं, अभी फिर रहा थोड़ा सा काम, इधर मिट्टी मिट्टी हो रखी पूरे घर में, बर्तन साफ कर दूं जल्दी से, बस जल्दी से हो जाए बस, ये स्कूल से लाना होता तो बहुत काम, सिलाई का भी काम है मेरा, तो बहुत बर्डन है काम का, तो कोई नहीं उम्र है अभी भी काम करने की, तो कर लेते हैं अभी। तो ये हरी मेथी बिल्कुल देसी मेथी बहुत अच्छी वाली है, तो जी देखिए ये अब हमारा सारा जो एक्स्ट्रा वाला निकल चुका है, ये बच्चा है एक पड़ोस वाला, तो ये बाहर लेके जा रहा अपने अंकल को दे देगा, और मैं और मम्मी भी अपना वही बात है कि खाएंगे बनाएंगे और आराम से सारा दिन निकलेगा हमारा। तो भैया ये मम्मी ने अभी अपना हरा साग काट दिया है, फिर बाद में कर करोगी, ये बथुआ मैंने धो के रखा है, इसे बहुत सारी मिट्टी थी बहुत ज़्यादा, तो इधर हरी मिर्ची अचार की और टमाटर धो दिए हैं, बर्तन साफ कर दिए हैं, दूध गर्म कर दिया है, कढ़ी बना दी है, तो मैंने कितना काम कर दिया, अभी इसमें कैमरा रोक रोक के तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी इतना ही मेरे से व्लॉग बना है, जोड़ झपाड़ करके टाइम नहीं रह पाता व्लॉग बनाने का, तो अभी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो जी अब करते हैं झाड़ू पोछा, फिर मिलेंगे आपसे, बाय।